जब आप डिफ्रैक्शन करते हैं, बेंडिंग करते हैं, और जब आप रेजोल्यूशन की बात करते हैं, मान लो एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, टेलीस्कोप से स्टार को देख रहा है, स्टार बहुत दूर है, उसको ये नहीं पता लग रहा कि स्टार एक है कि स्टार दो हैं, वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, मतलब आँखों से तो रिजॉल्व कर ही नहीं पा रहा, पर उसको बताना तो है ही कि दो हैं कि एक है, वो क्या करेगा, जो लाइट स्टार से आएगी उससे एक्सपेरिमेंट में उसकी डिफ्रैक्शन करेगा, लाइट को एंटर करवाएगा, बेंडिंग करेगा, डिफ्रैक्शन होगी, मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बनाएगा। जब वो पैटर्न बनता है किसी भी स्टार का, वो सर्कुलर डिस्क बनती है ऐसी। ये देखो लाइट स्टार से आई और ये मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। इस डिस्क को, ये जो डिस्क बनती है, इसको बोलते हैं एयरी डिस्क। एयरी डिस्क, एयरी डिस्क, ठीक। तो ये एयरी डिस्क है। जब वो इसकी इंटेंसिटी बनाता है तो उसकी सेंट्रल पॉइंट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है यहां तक। तो ये एयरी डिस्क बनती है, ठीक है जी। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, अब नेक्स्ट क्या करना है उसने, और ये एक्सपेरिमेंट रेलेज ने किया था, रेलेज क्राइटेरिया। तो क्या किया इसमें, तो इसमें उसने जो लाइट आई उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया। उसने कहा देखो अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा बना तो मैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि एक स्टार है कि दो स्टार से लाइट है, ये रहा। लेकिन अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा बना तो मुझे लग रहा है कि यहां पर दो स्टार हो सकते हैं, दो दो मैक्सिमा, और अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा दिखा तो दो दो सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि लाइट दो स्टार से आ रही है, तो इसका मतलब पक्की बात है दो दो स्टार से। इसे बोलते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्लियरली रिजॉल्व्ड है, दो हैं, ये फिर ये अनरिजॉल्व्ड है, इसका आंसर नहीं मिल पाया, और ये बेयरली रिजॉल्व्ड है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा देख के साइंटिस्ट डिसाइड करता है। ये आपकी नॉलेज के लिए है, अदरवाइज कोर्स का पार्ट नहीं है, लिख देना है इसे नॉट इन कोर्स।